छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज साई कैबिनेट की अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। मोदी की गारंटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में साई कैबिनेट की आज अहम बैठक। कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। मोदी की गारंटियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, दोपहर 3 बजे साई कैबिनेट की अहम बैठक है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, इस दौरान प्रदेश की कई कल्याणकारी फैसलों को लेकर हरी झंडी दिखा सकते हैं। कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। आमतौर पर पहली कैबिनेट बैठक में खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा केशवानी जुड़ रही हैं। नेहा, आज दोपहर 3 बजे साई कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज जो है ये कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बड़े फैसलों पर जो है वो मुहर लग सकती है। कई यहाँ पर मुद्दे हैं और सबसे पहला जो मुद्दा है वो राजिम कुंभ पर सरकार जो है वो अध्यादेश ला सकती है। कांग्रेस सरकार ने राजिम कुंभ का नाम राजिम पुन्नी मेला कर दिया था 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी। तो अब भाजपा फिर से जो है सरकार में आई है, तो राजिम कुंभ यानी कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की 3 बार की सरकार रही है तब इस मेले का नाम जो है वो राजिम कुंभ ही रहा है, लेकिन कांग्रेस आने के बाद जो है वो चेंज कर दिए थे। तो अब जो है सरकार इस पर अध्यादेश लाएगी, क्योंकि राजिम एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा यहाँ पर हो सकता है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर 22 फरवरी से लगभग जो है इस मेले की भी शुरुआत होती है। तकरीबन मेला 15 दिन जो है वो यहाँ पर मेला यहाँ पर भराता है। और जब कांग्रेस सरकार ने इसका नाम चेंज किया था तब जो है इसका धार्मिक तर्क दिया था कि ये काफी प्राचीन नाम है और इस नाम को जो है भाजपा ने राजनीतिक उद्देश्य से जो है वो चेंज कर दिया था। तो निश्चित ही पुन्नी मेला करके जो है वो कांग्रेस सरकार आई थी और अब जब भाजपा सरकार आ रही है तो इसको राजिम कुंभ नाम जो है वो दिया जा सकता है। तो इस पर जो है वो मुहर लग सकती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि धान बोनस जो है वो सरकार दे चुकी है, 25 दिसंबर को धान की बोनस राशि दे चुकी है और अब जो है धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो उसकी जो 3100 रुपये में जो सरकार ने घोषणा किया था उस पर जो भी मुहर लग चुकी है, लेकिन अब जो है किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं तो उसकी भी राशि जो है वो जारी की जाएगी, उस पर भी मुहर लग सकती है। और तीसरा है छत्तीसगढ़ जो आवास देने की बात सरकार ने की थी और पहली ही बैठक में जो है वो मुहर लगा दी गई थी कि 18 लाख गरीब परिवारों को सरकार आवास देगी, तो निश्चित ही इस पर भी आज मुहर लगते नजर आएगा और क्या बैठक के बाद हालांकि देखने वाली बात होगी। और चौथा मुद्दा यह होगा कि महतारी वंदन योजना की राशि विधानसभा जब सत्र चल रहा था तो इसकी राशि स्वीकृत कर ली गई है और अब जो है आज कैबिनेट की बैठक में फाइनल इसको जो है वो मुहर लगा दिया जाएगा। तो तमाम कैबिनेट मंत्री आज जो है पद मिलने के बाद, विभाग मिलने के बाद पहली बार जो है इस बैठक में शामिल होंगे और ये जो बैठक है वो 11 बजे होगी और उसके बाद दोपहर जो है इस पूरी कैबिनेट की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो सरकार की तरफ से की जाएगी और प्रेस ब्रीफिंग के बाद ये बताया जाएगा कि किन बातों पर मुहर लगी है। जी नेहा, आमतौर पर कई जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकारें हैं वो 100 दिन के अंदर ही अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। 100 दिन के टारगेट को लेकर भी यहां कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव भी चरम पर चल रहा होगा और उस वक्त अगर सरकार अपनी कोई रिपोर्ट पेश करती है तो मतदाताओं के को लेकर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा कि सरकार अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करे। तो जिस तरीके से भाजपा सत्ता में आई और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पद का चुनाव हुआ, कैबिनेट विस्तार हुआ, कैबिनेट को जो है विभागों का विस्तार हुआ और उसके बाद से ही जब पहला सत्र विधानसभा का दिसंबर के अंत में जब हुआ तब ही कई प्रस्ताव जो है वो सरकार ने अपनी घोषणाओं के अनुरूप पास किए थे। तो लगातार जो काम करते आ रहे हैं,
हालांकि अभी तक सिर्फ धान बोनस की राशि ही जो है वो फाइनल रूप से जारी की गई है और किसानों के खाते में पहुंची है, लेकिन जो बाकी घोषणाओं पर सरकार ने जरूर ही राशि स्वीकृत की है, पर अभी तक जो है इसकी जो राशि है जिस लुभाव ने या कहा जा सकता है जिन घोषणाओं के आधार पर सरकार आई थी तो अभी निश्चित ही उनके खाते पर नहीं पहुंचा है। तो सरकार अपने कामकाज का जो रिपोर्ट है वो पेश करते नजर आएगी, लेकिन क्या रिपोर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ धान बोनस पर ही जो है वो फाइनल मुहर लगी है, लेकिन बाकी जो घोषणाएं हैं उस पर सिर्फ राशि स्वीकृत की गई है। तो रिपोर्ट भी जो है आज इस पर भी चर्चा होगी और तमाम जो रिपोर्ट है वो तैयार किए जाएंगे। फिलहाल इसके लिए अभी वक्त है, फरवरी माह के अंत में इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो यहां पर तैयार करते नजर आएंगे। जी।